नहीं हाथ में शमशीर तो फिर क्या हुआ, शमशीर यानी तलवार, है नहीं हाथ में शमशीर तो फिर क्या हुआ, हम कलम से ही करेंगे काफिरों के सर पर। ये शेर साथ लिखा गया अपने वक्तव्य में। अभी थोड़ी देर पहले मुसाब साहब ने एक उदाहरण भी दिया और पूरी दुनिया उसको मानती है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब दो फौज लड़ रही होती हैं, एक फौज के सैनिक जो है, एक फौज के जो सैनिक है वो गधे हैं, उनका सेनापति शेर है। दूसरी फौज जो है उसमें सैनिक शेर है लेकिन सेनापति गधा है। तो जीत किसकी होती है, जिसका सेनापति शेर होता है। ये हिस्टोरिकल फैक्ट। आप और हम डिस्कवरी चैनल देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, एनिमल वर्ल्ड देखते हैं। इंसान क्या है, इंसान भी एक जानवर है। बाबा साहब ने कहा था जाओ घर की दीवारों में लिख दो कि हम शासक वर्ग हैं। क्यों कहा था, क्योंकि बाबा साहब को मालूम था जब तक हम खुद शासक नहीं बनेंगे कोई दूसरा हमारे साथ न्याय नहीं करेगा, हमें खुद ही अपने साथ न्याय करना पड़ेगा। और वो न्याय करने के लिए हमारे हाथ में ताकत आनी चाहिए, हमें खुद शासक बनना चाहिए। लेकिन जब शासक बनने के लिए हमारे अंदर शासक वाले गुण भी होने चाहिए। हम क्या देखते हैं डिस्कवरी चैनल पे, 1000 भैंसों का झुंड दौड़ा चला जा रहा है और कहीं से 10 भेड़िया आ जाते हैं और 1000 भैंसें, 2000, 5000 किलो के एक भैंस, ये लंबे लंबे सींग, उन 5 भेड़िए 10 भेड़िए को देखे वो भागना शुरू करते। वो सोचते कोई और भैंस बेशक उनके चपटे में आ जाए, कोई और भैंसा चपटे में आ जाए, हम बच के निकल जाए। संख्या किसकी ज्यादा है, संख्या भैंसों की ज्यादा। रोज देखते हैं हम साउथ अफ्रीका के जंगलों में इस तरीके की यूट्यूब पे आती रहती है। तो मंडल का जब आंदोलन चल रहा था, जब मंडल लागू हुआ, मैं दिल्ली में था, जो 15% लोग हैं उन्होंने सड़कों पर कब्जा कर रखा था और वही 90-95% लोग नजर आ रहे थे और जो 85% लोग थे वो घरों में बैठे, वो सड़कों पे नहीं थे। तो जब तक हमारा एटीट्यूड, हमारा रवैया, जब तक शासक वर्ग वाला नहीं होगा, जो टीम वर्क भेड़ियों में होता है वो वाला टीम वर्क हमारे बीच में नहीं होगा, हम शासक वर्ग नहीं बनेंगे। ये जान लीजिए, ये प्रकृति का नियम है। सिर्फ 85% कहने से बात नहीं बनेगी। लेकिन खुशी की बात एक है कि जो सीन में 1990 में जो देखता था, अब जो देखता हूं उससे कहीं अलग है। बघेल साहब से मेरी बातचीत हो रही थी, 2 अप्रैल को जो आंदोलन हुआ वो आंदोलन इस बात का गवाह है, साबित करता है कि अब बहुजन के दिलों में जो शासक वर्ग के गुण होते हैं ना, जो आक्रामकता, जो लड़ाकूपन, वो बहुजन के बीच में भी आ रहा है। मोदी की सरकार बहुत जिद्दी सरकार मानी जाती है, किसी की बात को मानता नहीं है मोदी। लेकिन पिछले 6 साल में मोदी सिर्फ 2 बार झुका है और खुशी की बात है कि दोनों बार बहुजनों ने उसको झुकाया। एक बार 2 अप्रैल जब भारत बंद आंदोलन हुआ और दूसरी बार हमारा यही संगठन संविधान बचाओ संघर्ष समिति, हमारे महेंद्र जी बैठे हुए हैं, राजेंद्र पाल जी भी जुड़े हुए हैं, इसने आह्वान किया 13 पॉइंट रोस्टर के ऊपर और उस रोस्टर के खिलाफ भारत बंद हुआ। बड़ी बड़े राजनीतिक दलों की हिम्मत नहीं होती भारत बंद का आह्वान करने के लिए। एक अनजान सा संगठन संविधान बचाओ संघर्ष समिति आह्वान करती है कि 5 मार्च को भारत बंद होगा और सोशल मीडिया पे ये चीज चलती है, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर उनके कार्यकर्ता जबरदस्ती एक दबाव देने लगते हैं कि आप इस बंद का समर्थन करो। आरजेडी से समर्थन आ जाता है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से समर्थन आ जाता है,
उसके बाद शरद यादव जी की पार्टी लोकतांत्रिक जनता से समझौता समर्थन आता है, एनजेपी से भी आता है और आखिर में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी भी उस पद का समर्थन करते हैं। यानी बहुजन समाज आगे चल रहा था, जनता आगे चल रही थी और नेता उनके पीछे चल रहे थे। तो आज बहुजन समाज पहले से कहीं ज्यादा हुआ है, तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं नेताओं को आगे बढ़ करके बागडोर संभालने की जरूरत है। और कई बार ऐसा होता है कि नेता तो होते हैं, एक नेता एक परिस्थिति के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ग्रेट ब्रिटेन, जिसका सूरज नहीं कभी छपता था, उसका प्रधानमंत्री चर्चिल था और सबसे बुरे दौर से इंग्लैंड गुजर रहा था, ग्रेट ब्रिटेन गुजर रहा था। चर्चिल ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की लड़ाई जीती, लेकिन जैसे ही लड़ाई जीती ग्रेट ब्रिटेन की जनता ने चर्चिल को हरा दिया और एटली को प्रधानमंत्री बना दिया। जनता से पूछा गया कि ऐसा क्यों किया, चर्चिल ने तो इतनी बड़ी लड़ाई की थी और आपने इसको हरा दिया और एटली को बना दिया। तो ग्रेट ब्रिटेन की समझदार जनता ने जवाब दिया कि लड़ाई की परिस्थिति और थी, तब हमें चर्चिल की जरूरत थी। आज ग्रेट ब्रिटेन का दोबारा से उसका पुनरुद्धार करना है तो हमें एटली की जरूरत है। तो दोस्तों, एक एटीट्यूड, आइंस्टाइन ने क्या कहा है, व्हाट इज इनसैनिटी, पागलपन क्या है। पागलपन का मतलब है कि एक बात को बार बार उसी तरह से करना और ये सोचना कि परिणाम किसी और तरीके होंगे, ऐसा होगा नहीं। हमें नए प्रयोग करने पड़ेंगे, नई रणनीतियां बनानी पड़ेंगी, नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे अगर हमें बहुजन की मुक्ति चाहिए। तो मैं संविधान बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से इतनी बात रखना चाहता था आपके बीच में। हमारे बहुत ही इसके कारण भी हम लोग समझ जाते हैं। आज जो उन्होंने डाइवर्सिटी की बात की, जो नौकरी नॉर्मल नौकरी है, आप अगर पूरे यूनिवर्सिटी को लें, मीडिया को लें, बीओपीएससी को लें, जुडिशियरी को लें, कहीं भी आप लेते हैं, विश्वविद्यालय को ले लें, कहीं पर भी रिजर्वेशन के अनुसार 0.9% रिजर्वेशन हो गए और 50% 50.1 अपर कास्ट को अगर रिजर्वेशन को मान लें तो, लेकिन कहीं पर भी आप 40.9% आप नहीं कर। और उसका रीजन ये है जिसको आप लोगों ने कभी नहीं सोचा, और चूंकि ये जो 13-200 रोस्टर बनाया गया है वो रोस्टर ही गलत है, और हम बघेल साहब को कहेंगे कि रोस्टर साहब, ये रोस्टर को अपने इनके जो मुख्यमंत्री है उनको कहें कि रोस्टर को बदल दो, क्योंकि ये वहां के मुख्य एडमिनिस्ट्रेटर है, वो बदल सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे 13-200 का जो रोस्टर है रिजर्वेशन का, उसमें अगर तीन सीट है तो तीनों सीट अपर कास्ट हो जाए, जीरो मिले, चार सीट है तो भी अपर कास्ट हो जाए, पांचवा सीट होगा तो ओबीसी को जाए, सातवा सीट आठवां सीट होगा तो एससी को जाए और चौदहवा सीट होगा तो शेड्यूल कास्ट हो जाए। तो ये जो 13 रोस्टर है ये एक बहुत बड़ा अपने आप में भी खराब है, जो कि हमें इसके लिए भी बात उठानी चाहिए। अगर हमें चाहिए कि हम 40.49.5% रिजर्वेशन ला सकें तो हमको आइडिया, अगर एक अपर कास्ट हो जाता तो सेकंड रिजर्व कास्ट हो जाना चाहिए, तभी हम 50% रिजर्वेशन को आप ले सकते हैं, अदरवाइज कभी भी कोई सीट नहीं बनेगा। डायवर्सिटी तो बहुत दूर की बात है, तो हमें आज सिर्फ डायवर्सिटी के, डायवर्सिटी तो बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है ही,
क्योंकि जिस तरह से हमारा देश पूरा कमर्शलाइजेशन होता जा रहा है, ग्लोबलाइजेशन होता जा रहा है, लिबरलाइजेशन होता जा रहा है, और सारी जो गवर्नमेंट की थी वो प्राइवेट होता जा रहा है, और उसका पर्पस कुछ नहीं है, पर्पस है कि हम रिजर्वेशन को खत्म, उसको रोकने के लिए जरूरी है कि अब हमें कोई भी सरकार, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस की सरकार, किसी की भी सरकार, सारे सरकारें आज अब देखेंगे कि पंडितों का सरकार, तो हमें अपने मुद्दा हर सरकार से उठाना पड़ेगा कि जो रिजर्वेशन का है कि हमको हर क्षेत्र में चाहिए। जब तक हर क्षेत्र में रिजर्वेशन को लेकर मांग नहीं करेंगे, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे मीडिया हो, या सप्लायर हो, या कोई कंटेक्ट किसको मिलता हो, जिस तरह से साजी ने कहा कि मुख्यमंत्री जगदीप विजय सिंह के दोनों ने डायवर्सिटी को शुरुआत किया, तो इस तरह की डायवर्सिटी हर जगह होनी चाहिए। दूसरा चीज बघेल साहब से मेरा एक पर्सनल रिक्वेस्ट ये है, और जो भी बना सोशल मिनिस्टर हमारे देश में, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया है कि कम से कम एक स्कूल हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा होना चाहिए जो एससी एसटी के बच्चे, ओबीसी के गरीब बच्चे क्लास वन से लेकर के क्लास ट्वेल्व तक इंग्लिश मीडियम से पढ़ सकते। हमारे बच्चे नहीं आ पाते, ना उनको अच्छा सा खाना मिलता है, न अच्छा सा उनका ब्रेन डेवलपमेंट होता है, और न उनके किताबें मिलती है, तो संघर्ष करके रहते हैं और वो कितना पढ़ पाएंगे, इसलिए उस ऊंचाई तक नहीं पहुँच पाए, बहुत ही तकलीफ होती है। तो हम वही साहब चाहेंगे कि अगर हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हर डिस्ट्रिक्ट में आदिवासी, बैकवर्ड और शुरूवास के लिए एक पब्लिक स्कूल खोलते हैं जिसमें खाना फ्री मिले, किताब फ्री मिले गरीब बच्चों के लिए, तो उन गरीब बच्चों को बहुत बड़ा फला हो जाए, उन बच्चों को चुने और उन बच्चों को ही ले जिनकी माँ बाप मजदूरी कर रहा हो, उन बच्चों को नहीं ले जिनके घर में कोई नौकरी कर रहा हो, उन्हीं को बच्चे को ले, क्योंकि जिनके घर में नौकरी कर रहा हो तो अपने बच्चों को स्कूल भेज देगा, लेकिन जिनके माँ बाप मजदूरी कर रहे हैं वो अपने बच्चों को नहीं भेजता, उनके अपने बच्चों से ही मजदूरी करवाता है। हम कितना कोई भी सरकार, हर सरकार बात करती है कि किसानों को मुआवजा दिया जाए, लेकिन कोई सरकार ये नहीं बात करता कि मजदूरों को मुआवजा, मजदूरों को कोई मुआवजा नहीं। हम अपने गाँव नहीं देखते, जो जिसके घर में एक नौकरी लग गया वो तो ठीक है, लेकिन जिसके घर में कोई नौकरी नहीं लगा, आज 40-45 साल के बाद भी जा देखते हैं तो उसका कैटेगरी है जैसे पहले था। तो हम बघेल साहब से मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है कि मुख्यमंत्री जी को ये जरूर कहें कि हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे स्कूल खोले, पब्लिक स्कूल, जो कि उन बच्चों को पढ़ाए जिसके माँ बाप मजदूरी करते हैं, अब मजदूरी करके अपने घर को पालते हैं, उन बच्चों को उठाए शुरू से ही लें, पाँच साल जैसे हो जाए उस तरह से लें और उनको बार बार पढ़ाए, और उनको इतनी अच्छी ज्ञान दें कि हमें अपर कास्ट दिखा दें कि देखो इनको अगर अच्छा से शिक्षित किया गया तो एक तुम लोग से कंप्लीट करने लायक हो गए। अभी अभी आप लोगों ने देखा नहीं होगा, बिल गेट फाउंडेशन, बिल गेट्स एट बिल गेट्स फाउंडेशन इंडिया में किसी नेता ने उनकी बातों को ध्यान दे दिया, लेकिन वो बहुत बड़ी बात कर गए हमारे देश में, हमारे देश के हेल्थ पर चर्चा हो रहा, सब लोग हेल्थ के बारे में बोल रहे। बिल गेट्स ने एक ही लाइन कहा कि मैं कुछ दिन बहुत खुश हो जाऊंगा और संतुष्ट रहूंगा इंडिया से जिस दिन यहाँ के गरीब बच्चों को पौष्टिक आहार मिल जाए ताकि उसका डेवलपमेंट हो सके। एक बाहर का आदमी हमारे देश में इस संसार के बात कर जाता है, हम उसको सोचते कि छोटी सी बात, ये बहुत बड़ी चैलेंज है कि हम एक तरफ बात करते हैं हमें चांद पर जाने का, दूसरे तरफ हमारे बच्चे भूखे सो जाते हैं क्योंकि उनके पास खाना नहीं है, अब उसे बच्चे कहाँ से कम्प्लीट कर पाएंगे अपने क्लास। तो हम आपसे मेरा विनय अनुरोध है कि आप मुख्यमंत्री साहब को जरूर कहें कि एक मिसाल पैदा करें, एक मिसाल पैदा करें छत्तीसगढ़ में हर आदिवासी, हर बैकवर्ड, हर शुरू उन बच्चों को पढ़ाए जिसके माँ बाप मजदूरी करते,
जिसके पास कोई जमीन नहीं हो, जिसके पास कोई खेती नहीं हो, हर बच्चा जल्दी से बेहतर नहीं बन सकता। हम बहुत ही गरीब से पढ़े, मेरी माँ मजदूरी करते, मेरे फादर मजदूरी करते, लेकिन हम लोग पढ़े, लगन था, लेकिन हर जगह लगन नहीं थी, हम लोग को खाना नहीं मिलता, ये सब खाली में खरीद आ पाते, मकई की रोटी खाने पर, बिना किताब के MBBS किया, लाइब्रेरी से पढ़ा। तो इस तरह की लाइफ हर आदमी नहीं लीड कर सकता, लेकिन हमारी लाइफ जो है और सामाजिक विषमताएं जो है, आर्थिक विषमताएं बढ़ती जा रही है। ऑब्वियसली है कि आर्थिक विषमताएं बढ़ेगा तो विद्रोह होगा तो अल्टीमेटली हमें अपने हाथ में बंदूक लेना ही पड़ेगा। आपको याद होगा बिहार में लालू यादव ने क्रांति लाया, उस आदमी ने क्रांति लाया जिसको लोग भूल जाते हैं, कुछ ही क्रांति हो, उस आदमी ने एक फीलिंग लाया जिसे आज हम अपनी बुनियाद में डरते हैं। उन्होंने हर स्टूडेंट का वो कहा कि तुम लोग बंदूक लिया, हथियार दिया, एक ताकत दिया, एक जीने का एहसास दिलाया। उस आदमी ने एक जागृति पैदा की और वहीं से फिर बैकवर्ड शुरू का बंदूक कमीशन का उदाहरण। तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग से अनुरोध करते हैं कि डाइवर्सिटी को हमें दो मुद्दा उठानी है सरकार से नौकरी के मामले में। एक तो डाइवर्सिटी ये आंदोलन होना चाहिए पूरे देश में, और दूसरा कि 13200 रोस्टर को बंद करो और पायनियर रोस्टर खोला, क्योंकि आपके अनुसार 40.9% किसी भी जॉब में रिजर्वेशन होना चाहिए बैकवर्ड शेड्यूल का, और 50% तुम रुक रही। ये तभी होगा जब एक सीट ऊपर हो जाएगा, एक सीट रिजर्व हो जाएगा, और तभी होगा। अरे हर डिपार्टमेंट वाइज कभी नहीं होना चाहिए, इवेंट मैं तो कहता हूँ डिस्ट्रिक्ट वाइज भी नहीं होना चाहिए, पूरे देश पूरे राज्य के बराबर होना चाहिए। अगर पूरे राज्य में 5000 टीचर की बहाली होने वाली है, वो किसी स्कूल को कहीं का हो, या तो उस पर रिजर्वेशन होना चाहिए, किसी डिस्ट्रिक्ट पर रिजर्वेशन या पोस्ट पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। अगर एक ही पे कहा कि रिजर्वेशन होना चाहिए, इन बातों के साथ मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। साथ साथ बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी तारीख इतनी मोटी होती है कि हम पढ़ नहीं पाते। मेरे को मैंने बहुत बार बोला कि आप सिंपल लैंग्वेज में लिखिए, वही लिखिए जो आदमी समझ सकता है, वही लिखिए जो आदमी पढ़ सकता है, क्योंकि भाषा वही होनी चाहिए। ये आप हो सकता है कि संस्कृत में विद्वान होना चाहते हो, लेकिन मेरा इंसानी भी अनुरोध है कि किताब इतना मोटा जरूर लिखे, लेकिन 10 पेज में स्वाद से लिखे, उसको आदमी पढ़ करके समझ सके इस किताब का पूरा स्वाद क्या है, क्योंकि इनकी किताबों में बहुत अच्छी बातें होती है जिसको पढ़ने की बहुत ही जरूरत है, तभी हम देश दुनिया के बारे में जान सकेंगे। आप इनके किताबों को पढ़ करके कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते, लेकिन आदमी इतना मोटा किताब देखकर भी डर जाता है कि हम पढ़ पाएंगे इतना कि नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए जब भी मेरे पास आए, मैंने कहा कि आप किताब थोड़ा सा छोटा करें या इसका ओ इन बातों के साथ मैं अपना प्रशंसा करता हूँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।